कोरोना को करेंगे लॉकडाउन, आपके साथ मैं हूं वैष्णु गौरी। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 ने पूरे विश्व में किस तरह से जो ये जो घातक बीमारी है उससे जिस तरह से पूरे विश्व के साथ भारत को भी इस संक्रमण ने अपनी प्रकोप में ले लिया है और किस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, इन तमाम चीजों पर आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया के साथ भारत में भी लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और देश भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2000 के पार अब यह संख्या पहुंच चुकी है। इसमें से 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इस वायरस की चपेट से छत्तीसगढ़ भी अब अछूता नहीं रह गया है। लेकिन यह वायरस का प्रकोप उतना ज्यादा नहीं है, फलस्वरूप कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक 9 ही है। लेकिन राहत की बात तो यह है कि 3 मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब प्रदेश में सिर्फ 6 कोरोना पीड़ित मरीज ही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर खाद्य विभाग की अहम भूमिका भी है। लॉकडाउन के दौरान लोगों तक राशन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस बीच राशन आपूर्ति लगातार जारी है। हमारे साथ खुद जुड़े हैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी। अमरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और हमारे साथ हमारे चैनल है डॉक्टर त्रिपाठी जी हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमरजीत जी, लॉकडाउन के बीच सरकार ने फैसला लिया था कि भूखे कोई भी नहीं सोएगा, राशन की किसी को कोई कमी नहीं होगी। किस तरह से इस स्ट्रैटेजी को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं और किस हिसाब से कार्ड के हिसाब से 2-3 महीने का जो राशन है वो किस तरह से दिया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की सभी भाइयों बहनों को बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि बहुत धैर्यता के साथ, सूझबूझ के साथ काम ले रहे हैं। इस समय जब पूरा विश्व, पूरा भारत और छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ की जो जनता है उन्होंने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया है। जिस दिन से लॉकडाउन का घोषणा हुआ है सभी ने इस निर्देशों का पालन किया है और सभी अपने अपने घरों में है। संक्रमण को रोकने की दिशा में जो भी निर्देश जारी किया गया है एडवाइजरी का सभी पालन कर रहे हैं। जहाँ तक है कि लोगों तक खाद्यान्न पहुँचाने की बात, ये बात सही है कि लोगों के का सबसे बड़ा जो चिंता का विषय रहता है कि समय पर लोगों को खाना मिले। और छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार का ये सोचना है कि भूखे कोई ना सोए, सबके यहाँ खाद्यान्न समय पर पहुँचे और इस काम के लिए मेरे विभाग को जवाबदारी दिया गया है। मैं अपने विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बधाई देता हूँ कि सभी लोगों ने पूरे मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ इस काम को करके दिखाया है। और छत्तीसगढ़ के 12,308 पीडीएस दुकानों में जिस प्रकार से परिवहन, भंडारण और वितरण का काम लोगों ने किया है, बहुत सराहनीय पहल है। आज भी हम लोगों से फोन करके पूछ रहे थे कि खाद्यान्न वितरण शुरू हुआ कि नहीं हुआ। सभी लोगों ने बहुत खुशी इस बात को बताया कि उनके यहाँ वितरण का काम शुरू हो गया है और विभाग इसमें बहुत ही प्रभावी ढंग से काम किया है। इन विषम परिस्थितियों में जब लॉकडाउन है, गाड़ियों का आवाजाही बंद है, परिवहन बंद है, उस बीच में लोगों तक खाद्यान्न को पहुंचाना, जरूरतमंद लोगों तक उनका सामान को पहुंचाना, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था और इसको हमारे विभाग ने करके दिखाया है। मैं उनको सभी को बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल अमरजीत जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो है क्योंकि लोगों तक राशन पहुंचे एक ये बड़ी जिम्मेदारी है। जिनके राशन कार्ड है उन तक तो आप लोग राशन पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके नहीं बने हैं, उनको किस तरह से उन राशन की व्यवस्था की जा रही है, इसको लेकर आप थोड़ा सा जानकारी दें।
छत्तीसगढ़ राज्य में 58 लाख राशन कार्ड बने हैं। 58 लाख कार्ड के माध्यम से हम 2 करोड़ 40 से 44 लाख लोगों तक हम खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं, और उसमें कुछ लोग जो बचे हैं, जो लोग राज्य के अंदर नहीं थे या किन्हीं कारणों से अपना कार्ड नहीं बनवाया है, ऐसे लोगों के सामने में दिक्कत थी कि उनके पास कार्ड नहीं है, उनको राशन कहाँ से मिलेगा। उसके लिए भी हमने अपने विभाग के खाद्य सचिव को और सभी कलेक्टरों को हमने निर्देश जारी किया हुआ है कि सब लोगों को खाद्यान्न मिले, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो उसके लिए विभाग प्रभावी कार्रवाई किया है और सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि उन ऐसे लोगों को सूची उपलब्ध कराएं। और सबसे बड़ा जो काम है इसमें, जो प्रभावी कदम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने सभी जिला के कलेक्टरों को 25-25 लाख रुपया जो है आवंटन जारी कर दिया है, और राहत और के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने, चाहे उनको राशन देना हो, पका हुआ देना हो, उनको कच्चा खाद्यान्न बंटवाना हो, या अन्य कुछ जरूरी काम अगर उसमें करना हो तो उसमें करने के लिए सभी कलेक्टरों के पास आवंटन दिया हुआ है और सभी कलेक्टर इसमें काम कर रहे हैं। विभाग, चाहे वो खाद्य विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, सफाई कर्मचारी हो, सभी लोगों ने अपने अपने काम को बखूबी बहुत अच्छे ढंग से किया है। सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आप ही लोगों की वजह से आज व्यवस्था दुरुस्त हो पाई है, और मैं कह सकता हूँ कि समय पर लोगों तक खाद्यान्न पहुँचाना, समय तक लोगों का के पास जरूरत की सामानों को पहुँचाना, चुनौतीपूर्ण काम होने के बावजूद लोगों ने करके दिखाया है। अन्य प्रदेशों के तुलना में छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा संतोषजनक काम रहा है, और यहाँ पर संक्रमण को रोकने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए गए, और उसका उसी का रिजल्ट है कि जो आंकड़े हैं संक्रमण के, वो दहाई तक नहीं पहुंच पाया। तो मैं सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। हम अपने खाद्य विभाग के सचिव को, खाद्य विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों को, नागरिक आपूर्ति निगम को और SWC के, जिन्होंने इस काम को दिन रात एक करके और लोगों तक इस सेवा को पहुंचाने का काम किया है। वास्तव में मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, और मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और इस चुनौतीपूर्ण काम को हमारे विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों ने करके दिखाया है। मैं सभी को बहुत 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 धन्यवाद। बिल्कुल, मेरे साथ चैनल हेड SP त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। त्रिपाठी जी, भगत जी, एक निश्चित तौर पे इस समय विकट स्थिति है, और ऐसे समय में पुलिस प्रशासन या अन्य प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सुखद समाचार भी ये है कि 3 लोग ठीक होकर के घर चले गए हैं, लेकिन एक शिकायत ये आ रही है कि आप सरकार पूरा प्रयास तो कर रही है कि जो गरीब है, कोई भूखा न सोए, उन तक राशन पहुंचा दिया जाए, लेकिन उस पर गड़बड़ी की बहुत शिकायतें आ रही हैं। लोगों तक, जो जरूरतमंद है, उन तक सही ढंग से राशन नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। इसके लिए कोई निगरानी, कोई टीम बना रहे हैं क्या आप? किस तरह से निगरानी रख रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जो बात आपने कही, मैं बताया कि प्रदेश में 58 लाख कार्ड प्रचलन में है, जिसको हमने जारी करके और लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है। 58 लाख कार्ड के माध्यम से लगभग 2 करोड़ 44 लाख लोगों तक खाद्यान्न पहुंचने का व्यवस्था बनाया गया है। शेष जो बचे हैं, उन्हीं लोग बचे हैं, या तो जिन्होंने अपना कार्ड नहीं बनवाया है, या कोई प्रदेश से बाहर थे, या कोई और किसी कारण से कहीं दूसरी जगह थे, जिनका कोई कार्ड बनवाने में इंटरेस्ट नहीं था। घुमक्कड़ किस्म के लोग एक जगह आज जो रहते हैं, जो यहाँ हैं, कल परसों वहाँ हैं, ऐसे लोगों का ही कार्ड नहीं बन पाया, उनकी संख्या बहुत सीमित है। और उसके लिए हमने निर्देश दिया हुआ है कि सभी पंचायतों में 2-2 क्विंटल चावल
आकस्मिक रूप से जहां भी जरूरत पड़े उसको उपयोग के लिए रखा गया है। और ठीक सभी निगम को, सभी कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश भी जारी किया गया है कि उनके पास आवंटन दे दिया गया है कि जहां उचित समझे, जहां पर जरूरत पड़े उस राशि का उपयोग कर सकते हैं, उससे खाद्यान्न भी खरीद सकते हैं, उससे राहत भी पहुंचा सकते हैं, उससे इलाज भी करवा सकते हैं, जहां जो जरूरी कदम उठाना पड़े उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला कलेक्टरों को राशि आवंटित कर दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है और मॉडल के रूप में है, और इस प्रकार से अगर कार्रवाई अन्य प्रदेशों में हुआ होगा तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि संक्रमण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है और संक्रमण को रोका जा सकता है। भगत जी, मेरा सवाल ये नहीं था, निश्चित तौर मैं प्रशंसा कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति में आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। हमारा सवाल ये था कि जो आपके राशन कार्ड बने हैं उन तक भी अनाज जो उनको लेना है, जैसे आपने काफी सख्ती बरती है डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए, तो लोग जो वितरण केंद्र है वहां तक कुछ लोग पहुंचने में उनको परेशानी हो रही है, और जो पहुंच भी जा रहे हैं तो उनको उतना अनाज नहीं मिल पा रहा जो आपने आवंटित किया है एक परिवार के लिए, उसके लिए कोई निगरानी टीम बनाएंगे क्या, या उसकी किस तरह से निगरानी कर रहे हैं आप? मैं आपकी बातों को थोड़ा सा यहाँ पर काट रहा हूँ जी, इसलिए कि आपकी जो चिंता है हमारी भी चिंता है, और इसके लिए पूरी सरकार ने इसमें डिबोटी होकर के काम कर रही है, और जहाँ तक अव्यवस्था की बात या उसमें किसी प्रकार के गड़बड़ी की बात आपने कही, उसके लिए तो हमेशा से सरकार के तरफ से निर्देश जारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और प्रदेश में कोई भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उसका नंबर है 7712443809, मोबाइल नंबर है 9109849992, और हमने भी अपने स्तर पे अपने क्षेत्र के लिए जो नंबर जारी किया है 1800123714। तो इसमें शिकायत अगर कहीं का आएगा तो इस नंबर में कर सकते हैं और हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। दो जगह से शिकायत आया था, आपने जो बात कही कि एक बालोद जिले में कहीं जो निर्धारित दर से अधिक पैसा लेने की बात थी उसको, उसके खिलाफ हमने निलंबन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया और उसको निलंबित कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार जो बलौदा बाजार के जो डीएम नान थे, उन्होंने बिना पूर्व सूचना के और अपने काम से नदारद हो गए थे, और इतने महत्वपूर्ण काम चल रहा है और जो अपने जिम्मेदारी से कोई अगर भागा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश हमने दे दिया था। तो मैं कह सकता हूं कि जहां पर भी शिकायत मिल रही है उसमें तत्काल विभाग और राज्य स्तर के जो कमेटी है और सरकार सभी इसमें काम कर रहे हैं, कहीं भी ऐसे लोगों के प्रश्रय नहीं दिया जाएगा, तत्काल कार्रवाई किया जाएगा। जी बिल्कुल, साथ ही भगत जी स्कूल शिक्षा विभाग का भी फैसला है कि जो मिड डे मील है, जो खाना भोजन है, वो राशन एक साथ पालकों को दिया जाएगा। इसमें आपके विभाग की क्या भूमिका है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों को जो खाना दिया जाना है उसको अब कच्चा दिया जाना है, तो उसको लेके क्या रूपरेखा आपके विभाग की? तो हमारे विभाग में खाद्यान्न देने का है, और उसमें जो विभाग अपना सूची देगा और सूची के अनुसार उनको हमको आवंटन देना है। तो जो जो विभाग जैसे महिला बाल विकास विभाग हुआ, या स्कूल शिक्षा विभाग हुआ, या इसमें स्वास्थ्य विभाग हुआ, जो जो भी विभाग है जब खाद्य विभाग से आवंटन की मांग करेगा तो उसका उनके मांग के अनुरूप उनको आवंटित किया जाएगा, उसके लिए निर्देश जारी है।
जी, और साथ ही यहाँ पे भगत जी, क्योंकि लॉकडाउन के बीच लगभग दुकानों का राशन तो खत्म होने की कगार पर है, कई जगह खत्म हो ही चुका है, और जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं तो सप्लाई भी रुकी हुई है, कहीं पुलिस रोक लेती है, तो आप पुलिस प्रशासन के साथ, आपके गृह विभाग पुलिस विभाग के साथ आप लोगों का क्या कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि अगर गाड़ियों को ही रोक लिया जाएगा, जब एक गंतव्य से दूसरी जगह वो पहुंचेंगी ही नहीं तो सप्लाई तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, चेन सिस्टम यहाँ पे गड़बड़ा गया है, तो क्या कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं इस दौरान? मैं आपकी बातों से सरोकार रखता हूं, और मैं उस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों जो मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और सभी जिला कलेक्टरों को, सेक्रेटरियों को और एसपी आईजी सभी अधिकारियों को जिला स्तर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कही थी उन्होंने कि खाद्यान्न कहीं पर नहीं रोका जाएगा, जो भी गाड़ियां बाहर से आ रही है खाद्यान्न लेकर के उनको कहीं पर नहीं रोका जाएगा। इसके लिए अगर कहीं पर भी ऐसी शिकायत मिले कि खाद्यान्न लेकर के आ रही है और वाहन रोका गया है तो बताएं, जो नंबर हमने हेल्पलाइन दिया हुआ है तत्काल उस पर एक्शन लिया जाएगा और कहीं भी मदद की जरूरत होगी उसके लिए मदद किया जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक जो खाद्यान्न उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी हैं और लोगों तक जो आवश्यक वस्तु है उसको पहुंचाने के लिए चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो खाद्य विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, जो भी विभाग है सब में कोऑर्डिनेशन है और आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छा चल रहा है। भगत जी, ईश्वर न करे, हालांकि अभी तक 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है, आगे इसको बढ़ाने की नौबत आए, अगर आगे बढ़ता है तो क्या सरकार के पास, छत्तीसगढ़ सरकार के पास ऐसे मैंने कब तक खाद्य वितरण की व्यवस्था है, क्या आपके पास पर्याप्त खाद्य है? आपने बहुत अच्छी बात कही और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छा प्रश्न आपने किया है और छत्तीसगढ़ की सभी जनता को इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में खाद्यान्न की प्रचुर मात्रा हमारे पास अवेलेबल है, अगले एक साल तक हम खाद्यान्न का कमी नहीं आने दिया जाएगा, उसके लिए पूरा भंडारण करके रखा हुआ है, इसलिए कोई घबरा करके, कोई हड़बड़ा करके अनावश्यक रूप से स्टोरेज ना करें। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है और अगले एक साल तक के लिए हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध है, तो जनता को किसी भी प्रकार के से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की मदद के लिए पूरी सरकार खड़ी है, पूरे सरकार के नुमाइंदे खड़े हैं, पूरा तंत्र खड़ा है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अमरजीत जी, राशन की जमाखोरी और ओवर रेट से जनता काफी परेशान हो चली है, और इस दिशा में सरकार और आपका विभाग भी क्या कुछ कर रहा है, इसको कंट्रोल करने को लेकर क्या कवायद है, क्योंकि कई शिकायतें आ रही हैं, जैसे कि त्रिपाठी जी ने भी आपसे एक सवाल किया था। देखिए, हमने बताया ना आपको कि कुल आबादी के हिसाब से हमारे पास खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जैसे 58 लाख कार्ड के माध्यम से 2,44,00,000 लगभग लोगों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था हमारे पास, उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था पीडीएस के माध्यम से बनी हुई है, और इसमें उन्हीं लोगों के सामने दिक्कत आएगी जिनके पास कार्ड नहीं है, तो उसके लिए हमने जिला कलेक्टरों को एथराइज किया है, खाद्य अधिकारियों को एथराइज किया है कि आप अपने जिले में अपने स्तर पर अगर कहीं पर भी गैप ना आए उसके लिए उसको आपको व्यवस्था ठीक करना है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं भी जमाखोरी के लिए जो आदेश सरकार की तरफ से पहले से है और स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए जो आदेश है वो भारत सरकार नियंत्रित करती है, कुछ कुछ को राज्य सरकार के पास अधिकार है, कुछ केंद्र सरकार के पास है। हमको अगर स्टॉक चेक करना है तो केंद्र सरकार से हमको अनुमति लेनी पड़ती है और राज्य सरकार के पास जो अधिकार है उसके तहत विभाग को पहले से ही निर्देश है और समय समय पे मॉनिटरिंग होता है, निरीक्षण होता है, मौके में
कई गोदाम चेक होते हैं, कई जगह के स्टॉक चेक होते हैं, तो उसमें नियम विरुद्ध अगर कोई स्टॉक रखता है, जमाखोरी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो अभी तो हमारे यहाँ ऐसा कोई शिकायत मिला नहीं है, और अगर ऐसा कहीं पर शिकायत आएगा तो निश्चित तौर पर विभाग उसमें तटस्थ होकर के काम करेगा। तो एक सवाल आपके इस विभाग से हटके है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर भूपेश सरकार ने बहुत काम किया और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को काफी आगे बढ़ाना भी चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये जो आपदा आई है, तो अब निश्चित तौर पे आप भी मानेंगे कि ये आपदा आई है, इसे अभी तुरंत निपट ले, लेकिन इसका इफेक्ट आगे वाले आने वाले समय में बहुत लंबे तक पड़ेगा, तो उस छत्तीसगढ़ संस्कृति को आगे बढ़ाने में कोई अब परेशानी तो नहीं आएगी? देखिए, इस समय तो सबसे बड़ा जो हम लोगों के पास चुनौती है कि मानव जीवन की सुरक्षा, जब लोग सुरक्षित रहेंगे तभी तो बाकी चीज आगे बढ़ेंगी। तो हम आपसे भी और सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस समय हमारे पास जो सामने चुनौती है उसका हम लोग सामना करें, संक्रमण को रोकें, कोविड-19 जो कोरोना है इसके खिलाफ जो लड़ाई चल रहा है उसमें प्रभावी कदम उठाएं, अपना अपना योगदान दें, और हम जो इसमें जितना ज़्यादा कर सकते हैं मानव सेवा के लिए अपना योगदान दें, जरूरतमंद लोगों तक अपना मदद करें, ये सब काम को अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से मानव जीवन सुरक्षित रहेगा और मानव जीवन बचेगा, और जब मानव जीवन बचेगा तो संस्कृति भी बचेगी और संस्कृति भी आगे बढ़ेगा। तो अभी जो सामने काम है, चुनौती है, उसको हम लोग देखेंगे और बाकी काम को भी प्राथमिकता पे बाद में बढ़ा, उसका भी समीक्षा करके उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि महत्वपूर्ण विषय को आप लोगों ने लाया है और आप लोगों से चर्चा हुई, मुझे भी बहुत इस बात की आत्मसंतुष्टि है कि अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लोगों के माध्यम से हमने कुछ बात जो थी उसको हम लोगों तक शेयर कर पाए। जी बहुत शुक्रिया अमरजीत भगत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलते चलते एक बहुत छोटा सा प्रश्न का जवाब भी आपसे लेना चाहूंगी कि कुपोषण की जंग में भी अभी राशन नहीं मिल रहा है, आदेश है कि खाद्य विभाग से राशन पहुंचाना है, और इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? थोड़ा सा दर्शकों को और जो कुपोषण केंद्र है उन तक भी ये जानकारी आपके माध्यम से पहुंच जाएगी तो इससे पूरी चर्चा को सार्थक भी माना जाएगा। जो केंद्र है अनाज वितरण के जो केंद्र हैं उनके जो सहयोगी आपके काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला, कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसे समय पे काम कर रहे हैं जब लोग घरों के अंदर हैं, तो उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने छेड़ी है, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में निर्बाध रूप से चलेगा और कुपोषण के खिलाफ भी हम लोग जंग जीतेंगे। जो हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी और पूरे लोग लगे हुए हैं खाद्यान्न को पहुंचाने के लिए, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप ऐसा काम में लगे हैं जो परोपकार का काम है, मानव सेवा का काम है, और मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और इस काम में आप लोग लगे हैं, आप लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं। सभी लोगों के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूं और सब लोगों का मैं साधुवाद करते हुए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ भगत जी जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में जुड़े हुए। त्रिपाठी जी, चलते चलते आपकी संक्षेप में टिप्पणी। देखिए, अब इसमें टिप्पणी करने का कुछ ऐसा है नहीं, बस यही है कि कोरोना को हराना है, हिंदुस्तान जीतेगा। और ऐसे समय में जो हमारे मंत्री छत्तीसगढ़ के, हमारे मध्य प्रदेश में तो अकेले मुख्यमंत्री जी, उनका जो संदेश जा रहा है उसको आम जनता ध्यान से सुने और उसका पालन करे, यही स्वराज एक्सप्रेस का भी संदेश है, यही मेरा भी संदेश है। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, आप लोग घरों में रहिए, स्टे होम सेफ होम, नमस्कार।